राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना एक श्रेष्ठ भारत बनाने का था। गांधी गांव को लेकर काफी विचारशील रहते थे। वे कहते थे कि असली भारत गांव में बसता है, लेकिन आज अगर गांधी होते तो शायद काफी निराश होते। अफसोस, देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जिनका नाम सरकार की विकास की सूची से नदारद है। इस तरह जान जोखिम में डालकर पुल पार करते ये लोग बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं। ये पुल मुजफ्फरपुर और सीतामणि को जोड़ता है। गांव के ये लोग आज भी इसी पुल के सहारे जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। गांव के बुजुर्ग पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि 100 साल पहले उनके दादा ने चंदा इकट्ठा कर इस पुल को बनाया था। तब उनकी उम्र 8 या 10 साल थी, लेकिन आज लंबे अरसे के बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। तो बाबा को बोला, एक धाप पीछे बनाओ और नहीं तो एक धाप आगे बनाओ कोई पुल के, और सब गाटर फाटर सब ला करके अपना पुल बना दिए। कितना वर्ष उम्र होगा आपका? हमरा 80 के लगभग। कब से देखते आ रहे हैं ऐसा पुल? 80, वाह, इतना बड़ के बच्चा थे तभी हम आ रहे थे। बाबा का उनको सेवा हम करते थे कुछ बोलने से, और दूसरा बात नहीं है, उनका संपत्ति था उस टाइम में। अच्छा, आप ही लोगों के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है? जी जी। गांव वालों का दर्द वही जानते हैं। इस जोखिम भरे पुल को पार करते हुए कई लोगों ने जाने गंवाई है। गाँव के ही निवासी मोहम्मद असगर बताते हैं कि सालों से इस पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। पढ़ाई से लेकर शादी विवाह तक लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि नेता वोट मांगने नहीं आते, लेकिन चुनाव के बाद वो वापस कभी गांव नहीं लौटते। इस पुल की सच्चाई है कि कुम्हार समाज के जो ग्रामीण है हमारे रामदास पंडित, जिनके द्वारा ये पुल को लगभग 100 वर्ष पूर्व में निर्मित किया गया था, और तब से आज तक आज़ादी के बाद तक ये पुल को निर्माण सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। देख रहे हैं कि हम लोग ग्रामीण जो है चचरी पुल हमेशा बनाकर अपने चंदा इकट्ठा कर ग्रामीणों की सहायता से इस पुल पे आवागमन चालू करते हैं। शादी विवाह में बाढ़ के दिनों में? शादी विवाह में हमेशा ये मतलब लोगों के लिए समस्या बनी रहती है कि जून जुलाई का जो महीना होता है जिसमें बाढ़ नहीं रहता है, उस समय में शादी ब्याह किया जाता है ताकि सुविधा हो सके। ये ऐसे मौसम में तो संभव नहीं है कि शादी ब्याह हो सके। पढ़ाई लिखाई में बाढ़ के समय में आने जाने में शादी में तो बहुत ही दिक्कत होती है। लोग वहाँ से गांव में आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए, कन्या को पैदल लेके जाया जाता है, वर वधु को पैदल लेके जाया जाता है इसी पुल चचरी होते हुए। जनप्रतिनिधि का आश्वासन? जनप्रतिनिधि का आश्वासन कि पूर्व में सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक जितने भी हैं सब ये गांव को आश्वासन देते हैं, समाज को आश्वासन देते हैं, उनके वोट का उपयोग कर उन्हें ये आश्वासन देकर वोट ले जाते हैं और ये चचरी मुक्त नहीं करा पाते। कितना अच्छा होता कि विकास केवल पन्नों तक नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देता। गांधी ने एक भारत का सपना देखा था कि विकास अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचे, गांव का जीवन बेहतर बने, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी आगामी सरकारों की है। लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद भी ऐसी तस्वीरें सभी सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNP न्यूज़।